बहुचर्चित सृजन घोटाले में आया बड़ा अपडेट। पूर्व डीएम वीरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार। बिहार के सबसे बड़े घोटाले में एक भागलपुर का बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सृजन मामले की सुनवाई कर रही पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने सृजन घोटाले के एक मामले में भागलपुर के पूर्व डीएम आईएएस अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वीरेंद्र प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने कोर्ट के स्पेशल केस संख्या 3/20 में वीरेंद्र यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इनमें से एक की मौत हो चुकी है। 9 आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इस मामले में आईएएस अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव ने अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाने व जमानत देने का आग्रह करते हुए आवेदन दिया था, लेकिन उक्त आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मामले में भागलपुर के पूर्व डीएम व आईएएस अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव उपस्थित नहीं हो रहे हैं। वीरेंद्र प्रसाद यादव पर आरोप है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर दो चेक के माध्यम से करोड़ों रुपए का गबन किया है। स्पेशल कोर्ट ने धारा 205 के तहत मिले आवेदन पर संज्ञान लेते हुए 30 मई को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने अपने अनुसंधान में पाया है कि आईएएस वीरेंद्र प्रसाद यादव अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और अन्य अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र कर दो चेक के माध्यम से करोड़ों रुपए की सरकारी राशि का स्थानांतरण सृजन संस्था के खाते में किया था। सृजन कर्मियों के सहयोग से उक्त राशि की निकासी कर बंदर बांट की गई। आपको बता दें कि वीरेंद्र यादव पर चार्जशीट नजारत शाखा के 21,95,00,000 से अधिक रुपए सृजन के खाते में डाइवर्ट करने के मामले में की गई। इसमें दो चेक की राशि ट्रांसफर पाया गया तो दोनों चेकों पर आईएएस वीरेंद्र प्रसाद यादव के हस्ताक्षर पाए गए। इन चेकों पर किए गए हस्ताक्षर की जांच के लिए हैदराबाद स्थित सीएफएसएल को भेजा गया था, जहां ये पुष्टि हो गई थी कि जिन चेकों से करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से सृजन संस्था को डाइवर्ट किए गए, उन चेकों पर हस्ताक्षर वीरेंद्र प्रसाद यादव ने ही किया था।